हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। बरसात का मौसम हो और कुछ कुरकुरा खाने का मन हो, या फिर अचानक से घर पे मेहमान आ जाएं, तो आप मूंग दाल के पकोड़ी की रेसिपी को झटपट से बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज की मूंग दाल के पकोड़ी की रेसिपी को शुरू करते हैं। आज की हमारी मूंग दाल के पकौड़ी की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मैंने यहाँ 5 से 6 मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। आपको यहाँ प्याज थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में यूज करना है, क्योंकि वो पकोड़ा ही क्या जिसमें प्याज ना हो। मैंने यहाँ 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है। मैंने यहाँ कुछ धनिया पत्ती को भी बारीक चॉप कर लिया है। मैंने यहाँ मूंग दाल का पाउडर यूज किया है। 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर लें। 1/2 टीस्पून अजवाइन ऐड कर लें। 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लें। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दें। और यहाँ हमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड करना है। इसमें हरी मिर्च, धनिया के पत्ते, प्याज सभी को ऐड कर दें। यहाँ मैंने अदरक, लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट ऐड किया है 1 टीस्पून। अब सारी चीज़ को मूंग के दाल के आटे में अच्छे से मिक्स कर लें। पानी थोड़ा थोड़ा ही ऐड करें, एक साथ बहुत सारा पानी ना डालें। हमें बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा गाढ़ा ही रखना है, नहीं तो आपके पकोड़े नहीं बनेंगे। जैसे नॉर्मल पकोड़े की थिकनेस होती है, बैटर को उतना ही थिक रखें। ये देखिए, कुछ इस तरह से आपके बैटर होने चाहिए। मैंने यहाँ एक पैन में ऑयल पहले से गर्म करके रखा है। अब थोड़ा सा बैटर डाल के तेल को चेक कर लें, तेल गर्म है या नहीं। अब छोटे छोटे मिक्सर लेके तेल में डाल दें। हमारे तेल अच्छे से गर्म हो चुके हैं। ध्यान रहे फ्रेंड, मिक्सर को डालते वक्त आपका फ्लेम मीडियम होना चाहिए। आपको पकौड़े को मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। आप पकोड़े को हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो पकोड़े ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे, बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए आपको पकोड़े को मीडियम फ्लेम पे ही धीरे धीरे फ्राई करना है, जिससे कि पकोड़े अंदर से भी अच्छे से पक जाएंगे। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड कि हमारे पकोड़े गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब आप इसे एक प्लेट में निकाल लें। सेम प्रोसेस से बाकी बचे हुए पकोड़े को भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने आपको 2 तरीके से मिक्सचर को डालते हुए दिखाया है। फर्स्ट बीच में हमने आपको हाथ से डालते हुए दिखाया है, और यहाँ मैं आपको स्पून से डालते हुए दिखा रही हूँ। आपको जिस भी तरीके से पकोड़े छानना है आप छान सकते हैं। जब तक कि हमारे पकोड़े फ्राई होते हैं, तब तक चलते हैं हम चटनी बनाने। तो चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 से 3 टमाटर को रफली चॉप कर लिया है। कुछ धनिया के पत्तों को भी वॉश करके कट कर लिया है। 10 से 15 लहसुन को छील लिया है। 4 हरी मिर्च को भी कट करके रख लिया है। 1 इंच अदरक को भी क्रश करके रखा है। तो इसे मिक्सर के जार पर डाल लें, इसे ग्राइंड कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सेकेंड बेज भी रेडी हो चुका है। इस पकोड़े को एक प्लेट में निकाल लें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे टमाटर और धनिया की चटनी भी रेडी हो चुकी है। अब ये लास्ट बेज बचा है, इसे भी सेम प्रोसेस से फ्राई कर लें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको पकोड़े को मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, जिससे कि आपके पकोड़े अंदर से भी अच्छे से पक जाएंगे और आपके पकोड़े एकदम क्रिस्पी फ्राई होंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड कि हमारे पकोड़े का कलर कितना सुनहरा दिख रहा है। अब लास्ट बैच भी हमारा फ्राई हो चुका है। अब आप इसे एक प्लेट में निकाल लें। ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और खटाई की चटनी है। आपको इसकी फुल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
आज के हमारी मूंग दाल की पकौड़ी की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो के नीचे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो पसंद आने पे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को फ्रेंड और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बगल में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको एक पकौड़े को तोड़ के दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड कि हमारे पकौड़े कितने क्रिस्पी और कितने टेस्टी बने हैं। और हमारे इस मूंग दाल के पकौड़े की रेसिपी को आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपना अनुभव हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। बरसात का मौसम तो चल ही रहा है, तो क्यों ना आप भी अपने घर पे ऐसे ही टेस्टी पकौड़े बनाएं और खाएं। ये लो गाइस, आप लोग भी खा लो।